वेलकम टू यूपीएससी सीडीएस गाइस, हम आ चुके हैं रेशियो के पार्ट 7 में और बाकी का ये पार्ट है आपका 80। और आज की वीडियो हम करेंगे सीडीएस 1 2022 में आया था एक क्वेश्चन, और सीडीएस 2 2022 में आए थे 4-5 क्वेश्चंस रेशियो से भैया। और ये वाले क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी बेहतरीन थे, ये वाला ईजी था। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, 15 मिनट के आसपास मेरे को लगता है, वैसे 10 मिनट में खत्म हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे डबल स्पीड पर जो है पूरी देख लेंगे। क्लियर है? तो मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूँ, मुझे और कोई खास क्वेश्चंस मिला नहीं, ये क्वेश्चन मिला है आप कह सकते हैं सिंप्लीफिकेशन का है, अलजेब्रा का है, जो भी कहें, मुल मिला के मेरे को ये रेशियो दिखा तो मैंने रेशियो को बता दिया। बाकी के जो क्वेश्चन हैं आप लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ, काफ़ी ईजी क्वेश्चन दिया है, एक्स माइनस बाई अपॉन एक्स रूट बाई प्लस बाई रूट एक्स बराबर 1/√x। तो यहाँ से आपको एक्स अपॉन बाई की वैल्यू पूछी है, अगर आप यहाँ पर करने लग गए स्क्वायर स्क्वायर तो ये आपका काम हो गया तमाम, आपने कर ली पढ़ाई। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे कैसे, देखिए यहाँ से मेरे को कुछ कॉमन दिख रहा है, अगर मैं नीचे से कॉमन ले लूँगा तो मैं क्या ले लूँगा, रूट एक्स वाई कॉमन ले लूँगा, और रूट एक्स वाई कॉमन ले लूँगा तो यहाँ से रूट वाई और रूट एक्स बचा यहाँ से, और यहाँ से बचेगा आपका रूट वाई। ठीक है, ये नीचे बचा डिनोमिनेटर में, ऊपर अगर मैं रूट एक्स कॉमन लूँगा यहाँ से, देखो ये मैं स्क्वायर बन जाएगा रूट एक्स का होल स्क्वायर और माइनस रूट वाई का होल स्क्वायर, तभी तो ये एक्स माइनस वाई हो जाएगा। तो यहाँ इसमें मैं ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देता हूँ, तो रूट एक्स प्लस रूट वाई और रूट एक्स माइनस रूट वाई। ठीक है भाई, तो एक्स प्लस वाई से ये कट गया, ये बच जाएगा आपका। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है वैल्यू, देखिए 1 2 4 8 दी गई है, आप वैल्यू भी सेटिस्फाई करा सकते हैं आई थिंक। तो ये हो गया, यहाँ से आप देखेंगे रूट एक्स से रूट एक्स कट गया, तो ये आप क्या क्या बचेगा, रूट एक्स अपॉन रूट वाई अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ, और माइनस रूट वाई अपॉन रूट वाई यानी कि 1/1। तो रूट एक्स अपन रूट वाई बराबर कितना हो जाएगा 2, और दोनों तरफ जब स्क्वायर कर देंगे तो एक्स अपन वाई बराबर कितना आ जाएगा आपका 4। बताइए क्या चीज़ समझ में नहीं आई, मैं एक बार आपको फिर से रिवीजन करा देता हूँ जल्दी जल्दी। एक्स माइनस वाई को मैंने रूट एक्स माइनस रूट वाई का होल स्क्वायर लिख दिया दोनों, तो और ये माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये रूट एक्स वाई यहाँ से कॉमन ले लिया, रूट एक्स प्लस रूट वाई बचा और बराबर 1/√x दिया है ना, रूट एक्स प्लस वाई से ये कट गया, यहाँ से आपका ये बचा, और ये रूट एक्स से रूट एक्स कट गया, वहाँ पे बचा आपका रूट वाई, रूट वाई से जब भाग लगाएंगे तो रूट एक्स अपन रूट वाई और रूट वाई अपन रूट वाई माइनस 1, यहाँ पे 1 बचा है, 1 उधर गया 2 हो गया, इसका स्क्वायर कर देंगे तो एक्स अपन वाई बराबर 4 आ गया। 4 ही इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखो ये क्वेश्चन आया था सीडीएस 2 2022 में, अब इसको जल्दी करना आना चाहिए। ठीक है, तो दो तरह से कर सकते हैं हम इसे, मैं आपको बताता हूँ दोनों तरीके में से आपको कौन सा अच्छा लगता है, आप मुझे बताइए। देखो आपसे पूछा गया डी प्लस ए अपॉन डी माइनस ए पूछा, तो मैं इधर साइड में लिख देता हूँ डी प्लस ए अपॉन डी माइनस ए, अरे मैं कौन सी पेन चलाने लग गया एकदम अचानक, आपसे पूछा है डी प्लस ए अपॉन डी माइनस ए। ठीक है, आपको दिया क्या क्या है वो मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ साइड में, थोड़ा सा आपको दिया है ए बराबर 3b 4b बराबर 5c और 6c बराबर 7d। क्लियर, अब दो तरीके से मैं आपका सॉल्यूशन कराने वाला हूँ आपको, आप ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिएगा जब जरूर आएगा। यहाँ से ए रेशियो बी की बात करूँगा ना मैं, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, मेरे को कोई मतलब नहीं है ये क्या है, मेरे को केवल ए रेशियो डी चाहिए। तो ए की ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा, 3:1 आ जाएगा, ए के साथ में 3 आ जाता है, बी के साथ में 1 आ जाता है। ठीक है, बी रेशियो सी की बात करूँगा तो बी के साथ में 5 आ जाएगा, सी के साथ में कितना 4 आ जाएगा, तो बी के साथ में 5 आ जाएगा 5 और सी के साथ में कितना आ जाएगा 4, और यहाँ से सी और रेशियो डी का निकालूंगा तो सी रेशियो डी का कितना आ जाएगा 7:6। ठीक है भाई, और यहाँ से ए बी सी डी का जब मल्टीप्लाई निकालूंगा ए रेशियो डी, तो हमें बी सी का निकालने की जरूरत नहीं है, ये देखिए 5 ये 7 ये 7। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे कर रहा हूँ, तो ये साइड्स की साइड में लिख देते हैं पार्ट, आप रेशियो के पहले दूसरे पार्ट देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कैसे करें। तो यहाँ से कितना आ गया 5 15 7 105, और ये कितना आ गया 6 24, इन दोनों से हमें कोई मतलब ही नहीं है, तो 105 और ये आ गया। तो यहाँ से डी अपॉन ए करूँगा तो कितना आ जाएगा आपका 24/105, और जब यहाँ से डी प्लस ए अपॉन डी माइनस ए यानी कि योगांतरण साथ नियम लगाएंगे तो ये भी मैंने आपको कराया, तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी हो जाएगा 24 + 129, और ये 24 में से 105 जाएंगे तो 105 में से 81 ये माइनस का बचेगा, क्योंकि 24 में से 105 घटा रहे हैं, ये देखिए 3 से कट गया, 3 से कटेगा तो 4 3, और ये आपका जाएगा 87 का, तो 43 - 43/87 जो है राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। लेकिन इसको करने का एक और तरीका है बेहतरीन सा, वो मैं आपको बताता हूँ, पेपर में मैंने वैसे ही करा था, उसके लिए मैं आपके लिए रेड पेन ले लेता हूँ। देखो यहाँ से हमें ए रेशियो डी चाहिए, ठीक है, तो मुझे कुल मिला के संबंध बनाना है ए और डी में। ठीक है, देखिए कैसे बनाऊँगा मैं, यहाँ से देखिए ए बराबर दिया है आपका 3b, ठीक है, तो मैंने 3 लिख दिया, अब बी की वैल्यू क्या है, यहाँ से 5c/4 है, तो 5c/4, c मैं नहीं लिखा हूँ,
तो सी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 7d/6, 7d/6, डी इधर ले आऊँगा तो ये हो गया a अपॉन डी बराबर 53 15 7 105 अपॉन ये कि सी क्यों लिख दिया मैंने, 7d/6 है भैया, ठीक है, सी की वैल्यू तो लगानी है 7d/6, तो 105 और 6 24, तो यहाँ से डी अपॉन ए निकालूंगा तो 24/105 हो जाएगा, और डी प्लस ए अपॉन डी माइनस ए कितना आ जाएगा, वही आपका आ जाएगा 129/81, और ये आपका वही -43/27, ठीक है भाई। तो यहाँ से आप डायरेक्ट ये लाइन ला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं, ये 3-5 करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको मज़ा आया हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अभी हम और क्वेश्चंस भी देख रहे हैं, रुको जरा सबर करो। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये भी टफ क्वेश्चन तो आते ही नहीं है। टू ग्लासेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम आर फिल्ड विद अ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर 3:2 एंड 4:1 रेस्पेक्टिवली, दीज ग्लासेस आर एम्प्टीड इनटू अ थर्ड ग्लास, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एल्कोहल वाटर इन थर्ड ग्लास, यानी कि पहले ग्लास में 3:2 का है और 4:1 का है दूसरे ग्लास में, इन दोनों को मिला के एक तीसरा ग्लास बना दिया जाता है, अब उसमें पूछा है कि एल्कोहल और वाटर का रेशियो क्या है, ठीक है भाई। ये मैं हिंदी से पढ़ के आया हूँ इसलिए इतनी जल्दी समझ गया, यानी कि पहले ग्लास में आपको दिया है 3:2 और दूसरे क्लास में दिया है 4:1। अच्छा, ये वहाँ पर करने के लिए आपको दिमाग में रखना है कि यहाँ से आप ऑप्शन ऑब्जर्व करेंगे तो वाटर का आपको पता लगाना है, अगर आप वाटर पता लगाएंगे तो 4, 2, 3, 4 यानी कि दो ही जगह सेम आ रहा है, और ये 7, 7, 7 तीन जगह सेम आ रहा है, यानी कि आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, तो आपको कन्फ्यूज नहीं हो सकते, कुल मिला के दोनों निकालने पड़ेंगे। यहाँ से अगर मैं वाटर का रेशियो पूछूँ तो इसमें वाटर कितना है, तो इसमें आप बोलेंगे 2/5 है, और इसमें वाटर कितना है तो 1/5 है, इन दोनों को जब आप ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा, 3/5 हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया आपका वाटर। एल्कोहल पूछेंगे तो एल्कोहल कितना आ जाएगा, ये 3/5 + 4/5, तो ये कितना आ जाएगा, 8/5, तो ये 8/5, देख रहे हो मेरा गणित कितना खराब है, 3 और 4 8 लिखती है, 7/5 5 से 5 लिख जाएगा, यानी 7:3, तो 7:3 इज द राइट आंसर, ठीक है। मैं ये बोल रहा था अगर आप इतना निकाल लेंगे तो आपसे यहाँ से पता चल जाएगा कि 3 जो है आएगा, 3 वाला ही ऑप्शन राइट हो जाता है, ये कहना चाह रहा था, ठीक है। तो ये वाला काफ़ी ईजी है, यहाँ से आपने वाटर का पता लगा लिया, वाटर कितना है पहले में 2:5 है, दूसरे में कितना है 1:5 है, इन दोनों ग्लासों को मिलाया गया तो आपका आ गया वाटर 3:5। ऐसे हमने एल्कोहल का निकाल लिया, एल्कोहल का निकालेंगे तो क्या है 3:5 है, और इधर से आएगा 4/5, इन दोनों को ऐड करेंगे थर्ड ग्लास में तो ये आपका आ जाएगा 7/5, उनका रेशियो ले लिया तो 7:3 आ गया, इजी क्वेश्चन। मतलब मैं आपको ये क्वेश्चन के लिए चैलेंज देना चाहूँगा, आप करके देखिए इसको कैसे करेंगे, केवल एक क्वेश्चन दिया है आपको, लोग ये भी नहीं कर रहे हैं, देखिए कितनी बड़ी गलत बात है, मैं आपको ये कराता हूँ, और ये इसमें योगांतरण अनुपात का वो नियम लगेगा जो मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया है और आपने वो वीडियो नहीं देखी है, बट मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला, आपको वही जाके देखना पड़ेगा पार्ट 3 में, योगांतरण अनुपात वाला नियम पार्ट 3 है, ठीक है, ध्यान रखें, वो वाला जरूर जाके देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, एक दो वीडियो पीछे होगी, ठीक है। तो आपको दिया है a+b/b+c = c+d/d+a, ठीक है, यहाँ से आपको दिया है a = c नहीं है, तो ये a = c नहीं दिया है ना, तो इसने थोड़ा सा काम खराब कर दिया, क्योंकि अगर हम दोनों तरफ जोड़ लेंगे तो a+b+c, देखो ऊपर नीचे जोड़ सकते हैं, तो ये a+b+c+d और नीचे भी a+b+c+d आ जाएगा, यानी कि वो कट जाएगा, वन हो जाएगा, और जब हम इसको इसके बराबर रख देंगे तो a+b = b+c हो जाएगा, bc कट जाएगा, a = c आ जाएगा, जो कि इसमें नहीं होना है, तो इसलिए हम ये वाला सॉल्यूशन नहीं लगा सकते, क्लियर है। जब आप इसके बराबर में रखेंगे तो d से d कट जाएगा, c = a हो जाएगा, लेकिन उसने क्वेश्चन में बोला है c = a नहीं है। अब देखिए कैसे करेंगे, आपको करना क्या है, इसमें से ये घटा देना है ऊपर, ठीक है, जब आप इसमें से ये घटाएंगे, नीचे से ऊपर घटाएंगे, ऊपर से नीचे घटाएंगे, नीचे से ऊपर घटाएंगे, एक ही काम करना है, जब इसमें से ये घटाओगे तो आपको नीचे ऊपर आ जाएगा a - c और नीचे बचेगा b + c। मैंने बोला था जो क्रिया आप ऊपर कर रहे हैं वही आपको लेफ्ट साइड में कर रहे हैं, वही आपको राइट साइड में करनी है, यानी कि मैंने इधर क्या किया है, ऊपर वाले में से नोमिनेटर में से डिनोमिनेटर घटाया है, अंश में से घटाया है, इधर भी घटा दूंगा, तो इधर बचेगा c - a और d + a, ठीक है भाई। अब ये c - a, अब ये इसीलिए बराबर नहीं दिया है ताकि 0-0 नहीं हो जाए, अगर a = c हो जाएगा तो 0-0 हो जाएगा ना, तो इसलिए नहीं दिया है, तो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो ये आ जाएगा -c - a और बराबर इधर, तो माइनस कॉमन लेके ये कट जाएगा कुल मिला के, ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाएगा -1/b + c और -1d + a, यानी कि दोनों बराबर ही हो जाएंगे, कुल मिला के ये माइनस का हो जाएगा, और माइनस का इधर जाएगा तो ये a+b+c + d = 0 हो जाएगा। समझ में आया क्या, मुझे पता लगता है आपको ये वाली लाइन समझ में नहीं आई होगी, ये वाली लाइन समझ में नहीं आई है तो मैंने कुछ नहीं करा, ऊपर वाले में से नीचे घटा दिया है, अपॉन में ये लगा दिया, ये योगांतरण अनुपात का नियम का एक छोटा सा बच्चा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देखिए, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या करा है। देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, प्रोपोर्शन वाला रूल मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, ये वाला भी प्रोपोर्शन से ही क्वेश्चन है, आजकल आने लगे हैं, वैसे पहले नहीं आते थे, है ना, पहले से मतलब पहले नहीं आते थे,
पुराने जमाने ए क्यू प्लस बी क्यू इज प्रोपोर्शन टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपसे बोला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्रोपोर्शन टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपसे पूछा है देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए ये फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला किसका बन गया, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये भी प्रोपोर्शन हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ठीक है, इसको मैं क्या लिख दे रहा हूँ, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी से ए माइनस बी कट गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी किसके प्रोपोर्शन हो जाएगा, ए माइनस बी के। ठीक है, और यही आपसे पूछा है, कुल मिला के मैंने ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बोल दिया, यानी कि किसके प्रोपोर्शन हो जाएगा, ए माइनस बी के। ठीक है भाई, ये प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन भी आजकल आने लगे हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी मैं रेशियो का ही मान के कराऊंगा आपको, आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे मेरा, मैं आपको ये बताऊंगा। ठीक है, बरामद माना करिए किसी भी बात का, आई एम सॉरी। पेन कोई बढ़िया सी ले लूँ ना, ये वाली सही है, हाँ ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, पर यहाँ से हम केवल क्यों लगाएंगे, सी एन डी रूल लगाएंगे और क्वेश्चन को करेंगे एक सेकेंड में। सी एन डी रूल लगाएंगे तो मैंने आपको डायरेक्ट सिखाया है एक्स प्लस ए, वो भी उस रेट से पार्ट में सिखाया है, पार्ट थ्री बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से आपका डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, रूट एक्स प्लस ट्वेंटी अपॉन रूट एक्स माइनस वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऊपर एड प्लस का चिन्ह है तो ऊपर जोड़ दो, दस अपॉन चार यानी कि पाँच बट्टे दो। ठीक है, अब जब दोनों तरफ मैं क्या करूँगा, ये ट्वेंटी भैया दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस ट्वेंटी अपॉन एक्स माइनस वन बराबर पच्चीस बट्टे चार। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका 4x और ये हो जाएगा आपका 25x, 4x उधर जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 21x। ठीक है, ये माइनस का 25 और प्लस का 80, 25 इधर आएगा तो ये कितना आ जाएगा 105, तो यानी कि x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 5। x की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 5 आ गई, और यहाँ से अब आपको x की वैल्यू रखनी नहीं है, कितनी आ गई 25, और 25 में 25 चौके 100, 100 का रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 10, 10 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। समझ में आया क्या, आप बोल रहे होंगे ये वाला रूल कैसे करा, तो ये भी पार्ट थ्री देखिए आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं। चलो मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ, नहीं बता रहा, उसी में पार्ट में देखिए। तो रेशियो का पार्ट थ्री जो है वो आप लोगों के लिए मस्ट है, ताकि आपको ये वाली वीडियो बहुत अच्छे समझ में आए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए, बाकी के पार्ट जो है आप वहीं से देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, मैंने आपको लगभग सारे क्वेश्चन करा दिए, CDS के लगभग 5 पेपर मेरे पास पड़े थे, मैंने बहुत सारे रेशियो के क्वेश्चन करा दिए, हम नया चैप्टर से देखेंगे और रेशियो के कुछ अगर अदर क्वेश्चन होंगे अच्छे अच्छे जो आए होंगे वो भी हम करेंगे। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें।